हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्याज और मलाई की सब्जी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है और बहुत ही और सब्जियों से मेरा टेस्ट लगती है। जब आपको सब्जी खाने का मन ना हो तो आप बनाइए इस तरीके से। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे ये थोड़ा सा घी। अभी हमने जो ये प्याज लिए हैं, ये चॉप किए हुए हैं, ये डाल देते हैं। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गलाने नहीं है और बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। इसको थोड़ा सा कच्चा कच्चा रखेंगे तभी इसका टेस्ट आएगा। अब इसमें डालेंगे हम दो ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ा सा मैंने लिया एक चम्मच ये अदरक कद्दूकस किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने हल्की हल्की कच्ची भूननी है। अभी प्याज हमारे हल्के से पिंक हो गए हैं और ये हल्के हल्के गल भी गए हैं, हल्के कच्चे हैं, तो हमें इसे कच्चे की तरफ ही रखना है। अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। अभी इसमें डाल देते हैं हम स्वाद अनुसार ये नमक। नमक हम इसमें थोड़ा कम ही रखेंगे। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे ये कस्तूरी मेथी। लास्ट में डालेंगे हम थोड़ा सा ये चाट मसाला, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमने ये मलाई ली है। फ्रेंड्स, अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते तो ये ऑप्शनल है, आप मलाई की जगह हल्का सा इसमें दूध डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और गैस को बिल्कुल सिम करूँगी। ये देखो कलर इसका इतना बढ़िया आ गया है। अभी मलाई डालने के बाद हमने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। अभी ये मलाई में हमारे बहुत बढ़िया से मेल्ट हो गई है और ये प्याज हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, मलाई और प्याज। तो अभी हम गैस को फ्रेंड्स कर देते हैं बंद और लास्ट में डाल देंगे हम ये हरा धनिया। आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया कलर आया और ये बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में। ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है फ्रेंड्स और बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाती है। जब कोई सब्जी ना समझ आए तो आप इसे बना सकते हो। आप 2 की जगह 4 रोटी खा लोगे, इसमें बहुत टेस्टी लगती है ये। तो ये प्याज और मलाई की सब्जी हमारी बन के बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरी प्याज की सब्जी बनाने का तरीका पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।